हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे शीरमाल, जो हम हमेशा फंक्शंस और शादियों में बाज़ार से ख़रीदते हैं। आज हम घर पे बनाएंगे, वो भी बिना ओवन के। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून तेल, 3/4 कप नीम गर्म पानी, 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम ईस्ट को नीम गर्म पानी में ऐड करेंगे। पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। इसमें ऐड करेंगे हमारी 2 चम्मच चीनी। से अच्छे से मिक्स करेंगे। वो एक्टिवेट होने के लिए 15 मिनट ढककर इसे साइड में रख देंगे। 15 मिनट बाद हम एक क्लीन बाउल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे मैदा, हम ऐड करेंगे नमक और बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ऑयल। देखिए हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, इसे गूंदना शुरू करेंगे। इसे हल्के हाथों से नीट करते हुए गूंदेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा गूंदना। आटे को अच्छे से गूंदना है, जिसके हमारे हाथों की गर्मी से ये ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, मैदे में अच्छे से मिल जाए। इसे अच्छे से हम डेस्कटॉप पे काट के अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे। अच्छे से स्ट्रेच कर करके दोनों हाथों से अच्छे से हमें इसे गूंदना है। हाथों पे अगर चिपक रहा है तो आप इसे ऑयल से आप अपने हाथ ग्रीस कर सकते हैं, फिर मसल मसल के इसे अच्छे से नीट करेंगे। यही बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे शीरमाल का। अगर हमारा डो अच्छे से नीट नहीं होगा तो वो राइस भी नहीं होगा और आपकी ब्रेड भी अच्छे से नहीं बनेगी। 10-15 मिनट्स हमें अच्छे से नीट करना है डो को। देखिए जब अच्छे से नीड हो जाएगा तो ये चिपकना हाथों पे बंद हो जाएगा, यही इसका साइन होगा। देखिए मेरा डो अब चिपक नहीं रहा है हाथों पे। हम इसे अच्छे से राउंड शेप में टक करके इसे एक बाउल में डाल के अच्छे से कवर करके ये 1 आवर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा डो 1 आवर के बाद अच्छे से राइज हो गया है। हम इसे पंच करके इसकी सारी हवा निकाल देंगे। फिर हम फ्लोर पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। इसे अच्छे से टक करेंगे, क्राउन शेप में बना लेंगे। इसकी सारी हवा निकल गई है। अब हम इसे नीचे सूखे मैदे में डाल के इसे रोल करेंगे। आप इसे अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं और मनचाहा थिकनेस रख सकते हैं। आपको जितना थिक चाहिए या फिर थिन चाहिए, ये आपके हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसे सिर्फ थोड़ा सा ही रोल करूँगी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। जैसे बाजार जैसा आता है ना, वही थिकनेस आएगी इसकी। अब हम इसे हमारा ट्रे लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे, ऑयल और मैदे से अच्छे से डस्ट कर लेंगे। ओके, अच्छे से डस्ट करना है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है हमारे ट्रे को। अच्छे से डस्ट करेंगे। फिर हम हमारा ये जो डो है ये उठा के इसमें रखेंगे। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे मिल्क या फिर एग, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसे अच्छे से कलर देने के लिए ऊपर से, या अगर आपको पसंद है तो आप मिल्क से ब्रश कर सकते हैं या फिर एग से ब्रश कर सकते हैं। अच्छे से ब्रश करेंगे ताकि हमारे शीरमाल को अच्छा सा कलर मिले। फिर हम एक चाकू की मदद से इसे मार्क्स लगाएंगे। जैसे रेडीमेड शीरमाल पे आते हैं ना मार्क्स, ऐसे ही हम इस पर हल्के हाथों से मार्क्स लगाएंगे। पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ मार्क्स लगाना है।
उसके बाद हम इस पे तिल होता है ना सफ़ेद तिल, ये इस पे स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम इसे ढक के एक 15 मिनट्स राइज होने के लिए रख देंगे। इधर हम हमारा पैन प्री हीट के लिए रखते हैं 15 मिनट्स, लिड कवर करके लो फ्लेम पे पैन प्री हीट होगा। 15 मिनट्स बाद देखिए हमारा डो फिर से राइज हो गया है। अब हम इसे बहुत केयरफुली पैन के अंदर रखेंगे, इस ट्रे को बहुत केयरफुली। बहुत गर्म होता है तो जलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो बहुत केयरफुली रखना होगा। फिर हम इसे लिड कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम में 25 से 30 मिनट या फिर 35 मिनट, आपको जितना कलर चाहिए उस हिसाब से आप, मिनिमम तो 25 मिनट लगेंगे, फिर आपके कलर के ऊपर डिपेंड होगा। 25 से 30 मिनट के दरमियान ये तैयार हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए, कितना अच्छा डबल हो गया है ये साइज़ में। देखिए हाँ, देखिए आधा घंटा हो गया मेरा बेक होते हुए। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। मुझे इसी कलर का पसंद है तो मैं इसी स्टेज पे ऑफ करके इसे निकाल लूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो आप 5-10 मिनट्स और इसे बेक कर सकते हैं। देखिए कितना फ्लफी है ये, कितना स्पंजी है हमारा बन। देखिए वाह, देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए अब हम इस पे बटर या फिर घी अप्लाई करेंगे जिससे कि इस पे अच्छी सी शाइन आ जाए। देखिए कितना शाइनी हो गया हमारा बन, अच्छे से इसके ऊपर एक ग्लेस जैसा आ गया है। या फिर बटर लगाने से बन और भी मॉइस्ट हो जाएगी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। अब बन हमारी तैयार है सर्व करने के लिए, तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। मैं तो इसे आज सर्व करूंगी भाजी गोश्त के साथ। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं ऊपर दे रही हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं मेरी रेसिपी को, और आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लग रहा है ना बाजार जैसा? मैं तो कहूँगी कि ये बाजार से भी अच्छा है, क्योंकि ये फ्रेश है और घर पे बना हुआ है। चलिए अब मैं इसे अंदर से कट करके दिखाती हूँ। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।